बीस मई को थिएटर में बहुत टाइम बाद एक हॉरर कॉमेडी आने जा रही है भूल भुलैया टू उसकी स्टार कास्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है अमर उजाला आपका बहुत वेलकम करता है यहाँ पे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि लॉकडाउन के बाद थिएटर को ऐसे फुल कैपेसिटी में चलते देखना और ऐसे प्रमोशन करना जाके कितना एक्साइटिंग है आप लोगों के लिए बहुत बहुत एक्साइटिंग है और अगेन वो वाली फीलिंग आना कि थिएटर में लोग आने वाले हैं और आ, हमारी फ़िल्म को प्रमोट करना अलग अलग शहरों में जाके सबसे मिलना पर्सनली जैसे अभी हम दिल्ली में भी आए हैं फिल्म को प्रमोट करने के लिए तो ये फीलिंग आ, आ, दो साल बाद ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि दो साल बाद थिएटर्स में आ, ये वापस से रौनक आई है और आ, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फ़िल्म देखने आएँ क्योंकि Uh, मतलब हमें तो लगता है हमने एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है एंड वी होप कि जब जनता या ऑडियंस सब लोग ये फिल्म देखें तो वो भी बहुत एंटरटेन हो और ये फिल्म काफ़ी टाइम बाद ऐसी एक फैमिली एंटरटेनर आ रही है जो सबको बहुत थोड़ा बहुत डराएगी लेकिन बहुत हंसाएगी मैं खुद एक्चुअली इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो थिएटर में बॉलीवुड मसाला देखने के लिए क्या रहा मेरी आपसे सवाल है आपने हम, अभी तक अगर आपकी फिल्में देखें तो आपने प्रेमिका का रोल निभाया है आपने वुमेन सेंट्रिक रोल भी निभाया है पहली बार आप एक हॉरर कॉमेडी फिल्म कर रही हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए इसमें भी उसमें थोड़ा सा प्रेमिका आद की अदा भी है और दर दर ऑल दोज एलिमेंट्स एज वेल लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है कि um, ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे यू जस्ट कम हैव फन इन्जॉय योर सेल्फ योर फुली एंटरटेन्ड Um, जैसे फिल्म है वैसे ही हमारा शूटिंग का माहौल था सो वज ऑलवेज़ एक्साइटिंग टू बी ऑन सेट बिकॉज द एनर्जी वॉज ऑलवेज हाई एवरी वन वॉज हैविंग फन हॉर कॉमेडी है तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें um, तो एक आई um, थिंक uh, हम सबके जो किरदार है इसमें द मोर रिलेटेबल टू हो वी ऑल्सो आर एज पीपल तो एक आई फील कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बस्टर जैसा सेट था कि यहाँ पर आके वी डिस हैव अ लॉर ऑफ फन और होपफुली कहते हैं कि जब आप एक फिल्म बनाते हो एंड वन यू हैविंग फन ऑन सेट इट शोज़ सो आई होप दैट दैट फन ट्रांसलेट्स और लोगों को उतना ही मज़ा आया जितना हमें आया है शूट करते वक्त बिल्कुल अनिश मेरा आपसे सवाल है पंद्रह साल पहले भूल भुलाई आई थी तब ऑडियंस और अब की ऑडियंस में क्या डिफरेंस है आपने अभी तक कॉमेडी फिल्में तो लिखी हैं लेकिन हॉरर कॉमेडी आप पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं यही है, मेरे लिए एक्साइट मैं बहुत एक्साइट इसलिए वजह से था कि ये फिल्म जो है हॉरर फिल्म है आप देखिए जो भी जॉनर होता है ना उसमें आप आपको अलग मेहनत करनी पड़ती है आपकी टेकिंग चेंज हो जाती है जैसे मैंने एक लव स्टोरी बनाई थी प्यार तो होना ही था तो उसके अंदर बहुत ट्रॉली और ट्रेन एकदम स्लो चलते थे उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई थी दीवान की जो स्पीड पर्सनैलिटी थी उसमें मैंने छः कैमरे लगाए थे वो एक एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट्स होते थे उसके बाद मैंने बनाई सारी कॉमेडी नो एंट्री वेलकम उसकी अलग टेकिंग है तो इस फिल्म की टेकिंग भी जो है वो बहुत अलग है तो मैं बहुत एक्साइट था कि यार कुछ नया करने के लिए मुझे मिलेगा तो वो कोशिश की हम लोगों ने कि भाई जो हॉरर सीन है वो लोगों को बहुत अच्छे लगे लेकिन इतने ज़्यादा डरावने भी नहीं हो कि बच्चे नहीं देख सके क्योंकि हमारी ये फैमिली फ़िल्म है हम चाहते हैं कि इसको हर ऐज के लोग देखें बच्चे भी देखें बड़े भी देखें और उनको मज़ा आए हमारी ये कोशिश है कि ये लुधियाना भी लोगों को उतना ही अच्छा लगे पिक्चर जितना लंदन लगे तो ये एक वास्ट ऑडियंस के लिए फ़िल्म बनाई है और मुझे लगता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपकी एक जहन में अगर आपके एक टारगेट ऑडियंस छोटी है तो उनको कैटर करना भी बहुत आसान होता है या आप एक सब्जेक्ट चुन चुन सकते हैं लेकिन जब आपका मकसद ये है कि बहुत लोग देखें तो कहते हैं कि ऊपर वाला भी जो है वो सबको खुश नहीं कर सका है कुछ लोग नाराज़ रह जाते हैं ऊपर वाले से भी तो वो बहुत मुश्किल काम होता है तो ये मुश्किल काम जो है कोशिश की हम लोग ने कि भाई ये सारे लोग आके देखें फैमिली के साथ इंजॉय करें और डरे भी हंसे भी खूब मस्ती करें मौज करें और उन्हें फिल्म अच्छी लगे कार्तिक धमाका के बाद हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आपका वो चुलबुलापन देखना आपकी वो शरारत देखने की तो अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं बड़े पर्दे पर कार्तिक को वो मस्ती वो मज़ाक करते देखने के लिए आ, मैं भी खुद बहुत ओ, 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 एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए <laughs> बहुत टाइम से मैंने भी ख़ुद को अपने बड़े स्क्रीन पर नहीं देखा है एंड एज एन एक्टर वो एक ड्रीम होता है अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने का uh, जो मतलब शुरुआत से रहा है एंड बट uh, ये बहुत लंबा एक ब्रेक आ गया था बिकॉज ऑफ द पैंडमिक बट अभी मतलब बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि अगले हफ्ते इसी हफ्ते इनफैक्ट रिलीज़ हो रही है फिल्म और uh, जिस तरीके का uh, चुलबुलापन या नोटिनेस या आ, या शरारती कैरेक्टर जो मुझे मिला है प्ले करने के लिए एंड जितने शरारती अनीस सर भी हैं और जितनी शरारती उन्होंने मुझसे करवाई हैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सब देखें वो और आ, और और ये अंदाज़ मुझे भी प्ले करने में मज़ा आता है तो आई एम एम रियली हैप्पी विद द कैरेक्टर ऑफ रूहान एंड आई होप कि सबको वो uh, शरारतें और नोटी वो पसंद आए आप लोगों को बहुत ही खास अंदाज से डरा रही हैं ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप डरी हो बहुत बार सेट पे भी बहुत बार क्योंकि सर बहुत शरारती है और उनके मतलब वो काफ़ी प्रैंक्स खेलते थे हम सबके साथ तो जहाँ पे हम शूट कर रहे थे एक हवेली थी यू नो नैचुरी यू आर शूटिंग इन अ हवेली एट नाइट तो बहुत कहानियाँ बनते हैं उसके ऊपर तो सर है टोलडास कि यहाँ पे ना कुछ कोई अंदर यहाँ पे नहीं गया है एंड इट्स बिन लॉक्ड फॉर ट्वेंटी ईयर्स एंड कहते हैं कि कुछ डेड बॉडीज़ वहाँ पे से <laughs> <laughs> तो बेसिकली बेसिकली बहुत कई सुनी है 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 पे कुछ पैरानॉर्मल होता ये कहानियाँ थी सच्चाई तो ऐसे कुछ नहीं थी, थी, थी तो लेकिन हाँ ये बहुत वीरान और सुनसान किस्म की हवेली थी जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक या दो आदमी अकेले जाना पसंद करेंगे क्योंकि हम लोग 200 लोग थे लाइट्स थी ये थी वो अलग माहौल था लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहानियाँ बनाई थी सच्चाई नहीं उसमें लोग रहते हैं बड़ी खूबसूरत अच्छी हवेली वो खूबसूरत हवेली <laughs> सीव। <laughs> सीव है अनी सर जब हम ट्रेलर देखते हैं तो कार्तिक का किरदार देख के लगता है कि आपने लिखा ही कार्तिक को सोच कर है इसके बारे में क्या कहेंगे नहीं मैं आपको बताऊं कि जब ऐसी बात नहीं है जब हमने लिखा उसके बाद लगा कि ये कार्तिक ही कर सकता है <laughs> <laughs> थोड़ा सा उल्टा हो गया लेकिन इट वॉज नॉट प्लान इनिशियली कि इसमें हमको कार्तिक को लेना है ऐसा कुछ प्लान नहीं था हम लोग एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे स्क्रिप्ट लिखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं यार ये अगर कार्तिक करेगा तो बहुत अच्छा करेगा इसलिए कि कार्तिक की काफ़ी फिल्में मैंने देखी है और वो आ, उन फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया मैं ख़ुद बहुत पसंद करता हूँ अच्छा काम करते हैं अच्छी एक्टिंग करते हैं कॉमेडी भी था थोड़ा बदमाशी भी थी मस्ती भी थी तो हम सबको ये फील हुआ कि यस इस फिल्म के अंदर ये कैरेक्टर जो है ये कार्तिक को करना चाहिए और जिस तरह का रीत का कैरेक्टर है वो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बेस्ट इसके अंदर जो कर सकती थी वो क्यारा कर सकती थी so, स्क्रिप्ट सुनते टाइम आपका पहला रिएक्शन क्या था मैं तो बस हंस हंस के मतलब इट्स सच अ फनी यू नो एंड ऑब्वियसली नरेशन में तो कॉमेडी ज़्यादा लगती है बिकॉज गोरव में यू हैव सो मेनी अदर एलिमेंट्स बी साउंड इफेक्ट्स उन सब चीज़ों में लेकिन फिर भी उसमें भी वो थ्रिलिंग फैक्टर एक भी ऐसी बीट नहीं थी जिस जहाँ पे लाइक यू वॉन्ट इन्ग्रॉस दे सो मनी ट्विस्ट यू कॉन्टर ट्राई टू फिगर इट आउट बट इट्स इट्स आई थिंक दैट्स देट फन दैट्स वॉट कीप्स यू हुक्ट ऑन टू द फिल्म सो इट वॉज लिटरली मतलब मुझे आई थिंक इंटरव्यू के बाद ही मैंने हाँ कर दिया था सर से और नाउ रेस्ट यू विल सी इट. बहुत लोग आपके किरदार को और अक्षय कुमार के किरदार को कंपेयर कर रहे हैं इस फिल्म को करते वक्त क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था आई थिंक गलत है कंपेयर करना क्योंकि वो मैं भी नहीं करना चाहूँगा वो चीज़ को और मैं टच भी नहीं करना चाहूँगा वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था और जिस तरीके से उनने प्ले किया था उसको कोई और प्ले नहीं कर सकता जैसा उन्होंने प्ले किया था तो ये वाला नया कैरेक्टर है और इसमें अप्रोच यही थी कि नई स्टोरी है नए तरीके से अप्रोच किया है जो इसका यूमर भी है वो एक अलग सुर में है आ, सेम सुर भी नहीं है इनफैक्ट ऑलमोस्ट ये थोड़ा एक अनीस सर ने अपना अपने, अपने न्यूंसेस भी इसमें डाले हैं चीज़ें डाली हैं जिस तरीके के जोक्स हैं वो भी काफ़ी अलग है तो आ, कहने का मतलब है कि सब कुछ एक नयापन है इसमें और नॉट जस्ट द कैरेक्टर एक फिल्म ही पूरी तरह से नई है Uh, तो मेरा अप्रोच वही था कि मैं तो इसको नई फिल्म की तरह ले रहा था uh, बट मुझे पता है कि वो एक uh, जो एलिमेंट है कि भूल भुलैया टू सीक्वल उस फिल्म का तो कंपैरिजन तो इनविटेबल है एंड आई होप कि कंपेयर uh, अगर कर भी रहे तो uh, रूहान की या रू बाबा के कैरेक्टर की एक अपनी आइडेंटिटी हो और uh, लोग उसको समझें अनिस् आपके बारे में कहा जाता है कि आप किसी से भी कॉमेडी करा सकते हैं मैं आपने इरफान खान से भी <laughs> कॉमेडी कराई है आपने इस फिल्म में से भी करवाई है ये, गल, ये गलत है सहम मुझे <laughs> मुझे लगता है कि कॉमेडी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे एक्टर हों अगर अच्छे एक्टर हैं जैसे आ, नाना फारीगर साहब ने हमारी फिल्म में काम किया था उसके पहले उन्होंने उतना कभी कॉमेडी का रोल किया नहीं था बट आई ऑलवेज न्यू कि यार ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर हाँ वेलकम है और ये जब करेंगे तो उसका एक अलग मैार होगा तो मुझे लगता है कि आ, मुझे पर्सनली एज ए डायरेक्टर सबसे मुश्किल काम लगता है बुरे एक्टर से एक्टिंग करवाना कसम से मुझे ऐसा लगता है नहीं अच्छे एक्टर हो बात समझें रोल को समझें और अपनी ईमानदारी से मेहनत से अच्छी तरह से काम करें तो ये एक्टिंग करवाना जो है ये बड़ा मुश्किल काम होता है ऐसा ऐसा आसान नहीं है इस फिल्म को करते टाइम क्या चैलेंजेस आपने फेस किए क्योंकि Uh, अगर हम आपका करियर ग्राफ देखें तो आपने एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है आपकी पहली फिल्म से अब तक की में देखें तो आपकी एक्टिंग में आपके चॉइस ऑफ फिल्म में बहुत फ़र्क आया है तो उसके बारे में बताइए कि इसको करते टाइम क्या चैलेंजेस आपको लगे कि फ्यूचर को देखते हुए हम अपनी एक्टिंग को देखते हुए कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किए आपने जब कहा कि आप मेरे चॉइस ऑफ फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं आई एम हैप्पी कि आपने ऐसा कहा क्योंकि मैं आई थिंक जब मैं फिल्म साइन भी कर रही थी मैं चाह रही थी कि मैं प्रॉपर फुल फैमिली एंटरटेनर का एक हिस्सा बनूँ आई फील कि एज एक्टर्स हम चाहते हैं कि कुछ चैलेंजिंग करे कुछ ऐसे रोल्स करे जो हमारे लिए अलग हो नया है यू नो दैट मेक्स यू गो इन टू अ डिफरेंट स्पेस लेकिन um, उस उस चैलेंजिंग रोल के साथ साथ एक कमर्शियल एंटरटेनर बनाना काफ़ी मुश्किल काम होती है वेरी फ्यू फिल्म जैसे अगर मैं अपनी ख़ुद की अगर कोई फिल्म लूँ तो आई वुड से गुड न्यूज़ फ़ॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लाइक थोड़ा सा यूनिक है और बट uh, फिर भी इट्स अ कमर्शियल स्पेस तो फॉर मी आई फेल भूल भूलैया वज दैट पैकेज एन हैॉर कॉमेडी विच इज़ समथिंग यू नो देर आर फिल्म हिंदी में तो काफ़ी फिल्में हैं लेकिन उतनी भी नहीं सो आई फैल कि ये कुछ एक नया यू नो कीपिंग दैट होल कमर्शियल हिंदी फिल्म मसाला फिल्म एलिमेंट बट फिर भी एक इंटरेस्टिंग um, वे में एक एक यूनिक कहानी uh, uh, आपको बता सकते हैं इसके थ्रू सो आई फील लाइक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग दिस इन दिस स्क्रिप्ट और जैसे कि किरदार के बारे में बात करें आई फील आई थिंक समटाइम्स जस्ट बींग वेरी रियल इज ऑल्सो द टफेस्ट थिंग कि कभी कभी आपको अगर एक यू नो आपको एक पर्टिकुलर टाइप की अगर किरदार दिया जाता है यू कैन रिसर्च यू कैन फाइंड वेज टू मेक इट एक्साइटिंग लेकिन टू जस्ट काइंड ऑफ बी योर सेल्फ एंड जस्ट बी अ रेगुलर गर्ल नेक्स्ट डॉ एंड टू मेक दैट इंडियोरिंग कैन ऑल्सो बी वेरी डिफिकल्ट तो इसमें आई थिंक क्योंकि सर के जो सुर है और ही नेवर मेक्स यू फील आई डोंट थिंक एवर दैट ड्रॉप इन एनर्जी इन एनी सीन उनके हर सीन में Um, what he's trying to convey is always with so much entertainment, the, whether it's the jokes that are landing, whether it's the emotion that has to be conveyed. Um, there's a lot of depth, there's a lot of humor, there's a lot of, um, you know, um, it's like a wholesome, ent every scene is a wholesome entertainer in itself. So I felt that was very interesting to learn and also in a way challenging because at the end of the day, you are kind of playing a character. उंड अलग है सोच अलग है विचार अलग है लेकिन बात करने के तरीके या फिर द बॉडीर टू यूर रोल तो उसमें मजा आया करने में कार्तिक हमने आपको कॉमेडी करते हुए देखा है हमने धमाका में आपको एक जर्नलिस्ट बन के एक सीरियस रोल करते देखा है हम आपको एक्शन में कब देखेंगे शहजादा में फर्स्ट <laughs> 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 उसमें, uh, उसमें uh, टाइम मैं उसके बारे में ज़्यादा एलेबरेट तो नहीं कर सकता अभी टाइम टाइम है बट बट आई एम इट मैं फर्स्ट कर रहा हूँ uh, yeah. मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है अनीस सर से अगर हम बॉक्स uh, ऑफिस देखें तो बहुत टाइम से जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो वो कमाल नहीं कर पा रही हैं जिस जो उम्मीद हमें है बॉलीवुड की फिल्मों से साउथ की फिल्में साउथ बनाम बॉलीवुड नहीं है पूरा इंडिया ही है पर फिर भी साउथ की फिल्में बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि के जो अभी चल रही है थिएटर्स में उसके सामने हमारी भूल भुलैया कितना कमाल लगता है कंपैरिजन और कुछ इस तरह का मुकाबले वाली बात नहीं है मुझे लगता है जो अच्छी फिल्म होती है वो चलती है चाहे वो साउथ की हो यहाँ की हो हमारी कितनी सारी ऐसी फिल्में हैं जो साउथ में उन लोगों ने रीमेक की है जी। कुछ हमने भी की है ऐसा नहीं है और एक वक्त था जब अपना जितेंद्र जी मुझे याद है आ, कादर खान और ये तो दस पंद्रह फिल्में आई थी अचानक सिर्फ साउथ की फिल्में चलती थी तो फिर एक वक्त आया दस साल के बाद अपना जब वो एक दूजे के लिए और कुछ इस तरह की फिल्में चली तो मुझे लगता है वो वक्त धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करता है कभी ये होता है कभी ये होता है तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि भाई कोई कंपटीशन है या ऐसा कुछ है मुझे लगता है सारी फिल्में चलनी चाहिए और आज तो हम लोग जब फिल्में लगाते हैं तो हमारी सब अंग्रेजी फिल्में भी लगती हैं तो वो तो पहले से चल रही है अभी और भी लगेंगी ये सब तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपनी फिल्म जो है एक अच्छी फिल्म बनाएँ बाकी फ़िल्म के तो कुछ कह नहीं सकते हैं वो फिर वो फ्राइडे के दिन ही पता चलता है मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे अमर उजाला के दर्शकों को फिल्म के बारे में फिल्म देखने के लिए कुछ फिल्म के बारे में बोलिए ताकि वो लोग एक्साइट होके सिनेमाघरों में बीस मई को जाए पूरी फैमिली के लिए एक फिल्म आ रही है बुलबुलेर टू जिससे मतलब एक क्लीन कॉमेडी और हॉर का तड़का भी है उसमें और जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप जाए उतना ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि ये वैसी फिल्म फिल्म है जो आप मतलब अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ पूरा कम्युनिटी व्यूइंग व्यूइंग वाली जो एक फिल्म होती है जिसमें आप एक साथ हंसना चाहते हैं एक साथ ड्रामा को एंजॉय करना चाहते हैं वैसी फिल्म है और बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म आ रही है लार्जर इन लाइफ सिनेमेटिक फिल्म है एक तो प्लीज बीस मई को ये देखने जाइए भूलबुलिया टू थैंक यू सो मच अमर उजाला के साथ बने रहिए थैंक यू डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाए खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें